नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से दिल दहला देने वाली एक खबर सामने आई है। यहाँ के ग्राम चुरारी में एक महिला ने अपने ही 4 महीने के बच्चे की गर्दन कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ये घटना शनिवार की है। महिला की मानसिक हालत भी ठीक नहीं बताई जा रही है। जब पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी तो एसपी खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को गिरफ्तार किया। पुलिस को जांच में पता चला कि महिला कई दिनों से एक संत के प्रवचन सुनती रहती थी और उनसे ही प्रभावित थी। घर वालों ने पुलिस को बताया कि उसकी हरकतें कुछ दिन से सामान्य नजर नहीं आ रही थी। वह अपने मोबाइल फोन के यूट्यूब पर ज्यादातर समय एक ही संत के प्रवचन सुनती रहती थी और इनको ही अपना भगवान मानती थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपित महिला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी रश्मि की शादी करीब 2 साल पहले इंदौर में रहने वाले लक्ष्मण के साथ हुई थी और उसका एक ही बेटा था। 2.5 महीने से रश्मि मायके में अपने 8 महीने के बेटे के साथ रह रही थी। घर के सदस्य बाहर गए हुए थे तभी शनिवार को दोपहर में इसने कुल्हाड़ी से अपने बेटी की गर्दन पर वार कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि घर के सदस्यों ने रश्मि से पूछा कि ऐसा क्यों किया, या तो उसने कहा कि मैंने तो बकरी को मारा है। अशोकनगर के पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया ने कहा कि महिला ने अपने ही बेटे की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वह यूट्यूब पर प्रवचन सुनती थी। इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।